और कुछ लोग आज नहीं जुड़ पाए हैं, बोर्ड आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि नहीं? देखिए रो बेटा, जो लोग भी जुड़ते जाए आप भी जुड़ते जाओ। नोट कर ले, फिर उसके बाद बोल करके बता देता हूं। मैं साथ में पढ़ता भी रहा। चलो हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या मैं साथ में पढ़ता भी चलूं या आप लोग नोट कर रहे हैं? आज वर्ड्सवर्थ के टेंटर नेबिट पोएम के बारे में जब हाजिर फ्यू माइल्स से ही आपने कहा माइल्स है, MILES। नहीं सही, कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे आफ्टर रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ रिवर वाई इन जुलाई 1798। The poem was composed in July 1798, and it is one of 19 poems that Wordsworth contributed to the Lyrical Ballad. The Lyrical Ballad was published in 1798. The poem is written in blank verse. The poem is like a spiritual record of Wordsworth. It reveals how the poet appreciated nature. कविता में इस बात का जिक्र किया गया है कि किस तरह से प्रकृति के खूबसूरत पक्षों की प्रशंसा किया है, and finally he discovers the divine spirit pervaded everywhere in nature. और आखिर में वो इस बात का जिक्र करता है कि किस तरह से प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ में एक दिव्य आत्मा का निवास होता है, प्रत्येक पदार्थ में एक दिव्य आत्मा व्याप्त है,
परवेश कहते हैं व्याप्त को, लाइक प्रेल्यूड इट इज ऑल्सो एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम और यू कैन से दैट इट कंटेन्स ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट ऑफ द पोएट. Wordsworth visited in turn Abbey in 1793. पहली बार टिंटन एबे को देखा था 1793 में वर्ड्सवर्थ ने. लेकिन टिंटन एबे है क्या? एबे कहते हैं वास्तव में ईसाई जो मठ होता है, ईसाई मठ को एबे कहते हैं, जो कि वाई नदी के तट पर बसा हुआ है. जब एक ध्वंसावशेष हो चुका है, खंडहर में तब्दील हो चुका है, तो पहली बार वर्ड्सवर्थ ने टिंटन एबे को 1793 में देखा था. एंड आफ्टर 5 years ही रिविजिटेड रिवर वाई. 5 वर्षों के बाद यानी कि 1798 में एक बार फिर वाई नदी के तट पर गया और वहां पर टिंटन एबे के ध्वंसावशेष उसे दिखाई पड़े. लेकिन द फुल टाइटल ऑफ द पोएम इज कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे ऑफ रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ रिवर वाई इन जुलाई 1798. एज पर द होल पोएम इज कंसर्न, जहां तक अगर पूरे कविता की बात की जाए, the whole poem can be divided into 3 parts. कविता को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है. और एक नोट इसमें लिख लीजिएगा, अगर नोट कर लिया हो तो मैं मिटा दूं. नोट हो गया हो तो मैं इसको मिटाऊं. नेट में एक प्रश्न पूछा गया है, पहले नोट कर ले फिर मैं मिटाता हूं इसे. कितने जुड़ गए हम? 22. इसमें एक नोट में लिख लीजिएगा, जो कि नेट में ये प्रश्न पूछा गया है, द पोएम कंटेन्स मिस्टिक पैंथियज्म. The poem contains mystic pantheism. Kavita mein ek rahasyavadi प्रकृतिवाद का जो है चित्रण हुआ था. नोट हो गया हो तो मैं इसको मिटाऊंगा. ओके, पोएम्स के इंपॉर्टेंट लाइन नोट करें जो कई एग्जाम में पूछी गई हैं, खासतौर से यूपी चयन बोर्ड में और उत्तराखंड DSSB में इंपॉर्टेंट लाइन्स. 5 years have passed.
5 years have passed and 5 summers with the length of 5 long winters, and I again hear these waters Devi Chagarasyami Dhanukul. इसमें डाल देने नहीं बोलना क्योंकि थोड़ा होगा उसको रोलिंग फ्रॉम देयर माउंटेन स्ट्रीम from their mountain streams with a soft inland murmur. क्या पोएम को एक्सप्लेन भी करना होगा? आपने भी पोएम की शुरुआत में देखा था कि पहली बार वर्ड्सवर्थ वाई रिवर की यात्रा करता है 1793 में और फिर 5 वर्षों के बाद 1798 में फिर रिवर वाई के तट पर पहुंचता है पिंटर एबे को देखने के लिए. तो कहता 5 years have passed, 5 वर्ष गुजर गए एंड 5 समर्स, इसी के साथ साथ 5 गर्मी के ऋतु भी जो है बीत गई विद लेंथ ऑफ 5 लॉन्ग विंटर्स और इसी के साथ साथ 5 वर्षों का सर्दी का मौसम भी देखा. एंड आई अगेन हियर दीज वाटर्स, 5 वर्षों के बाद जब मैं लौटा तो आज भी वाई नदी का पानी और उससे उपजा हुआ संगीत आज भी सुनाई पड़ रहा है. दैट वाटर रोलिंग फ्रॉम देयर माउंटेन स्ट्रीम्स, जो पहाड़ी झरनों से नीचे उतर करके वाई नदी में बहता है विद ए सॉफ्ट इनलैंड मर्मर और उसकी आवाज, मर्मर कहते हैं हल्की आवाज को, शिकायत भरी आवाज को, मानो आज भी वाई नदी के पानी में एक मर्मरिंग की आवाज सुनाई पड़ रही है. दूसरा है द ब्यूटियस फार्म The beauteous farm The beauteous farms through a long absence have not been to me
The beauteous forms through a long absence have not been to me as in landscape. As in landscape to a blind man's eyes. लेकिन 5 वर्षों के बाद भी आज भी वही खूबसूरत नजारे प्रकृति के दिखाई देते हैं. जो ए लॉन्ग एब्सेंस, ये यहां पर थ्रू नहीं है बेटा, थोड़ा सा दो टीएच को यूजीएच कर दीजिएगा. जो ए लॉन्ग एब्सेंस, यद्यपि एक लंबा अंतराल बीत गया, हैव नॉट बीन टू मी, लेकिन फिर भी मेरे लिए एक लंबा अंतराल नहीं लगता है. जैसे कि वही लंबा अंतराल जो कि कोई अंधा व्यक्ति किसी लैंडस्केप की ब्यूटी को नहीं देख पाता है, लेकिन सौभाग्यशाली इतना हूं कि 5 वर्षों के एक लंबे अंतराल के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि वही दृश्य, वही नजारे, वही वाई नदी का तट और टिंटर्न एबे के खंडहर, वही पानी से उपजा हुआ संगीत मुझे आज भी सुनाई पड़ रहा है. नोट कर लें तो फिर आगे का. इन डार्कनेस एंड, तीसरा है इन डार्कनेस एंड अमिड मेनी शेप्स ऑफ ज्वेलस डे लाइट. Many shapes of joyless delight when the fretful is turned unprofitable. When the fretful stress is turned When the fateful Easter unprofitable, the fever of the world have hung upon the beatings of my heart. When I'm upon the beatings of my heart,
चौथा कोटेशन है ये, द नेचर नेवर डिड बिट्रे द नेचर नीड नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। It is her privilege through all the years of this our lives to lead from joy to joy. कभी भी उस व्यक्ति को दगा नहीं देती है जो मनुष्य उसे प्रेम करता है। और मानो ये प्रकृति का प्रिविलेज है, अधिकार है, थ्रू ऑल द इयर्स ऑफ आवर लाइफ, कि मानो जीवन के संपूर्ण वक्त में प्रकृति एक आनंद से लेकर के दूसरे आनंद की ओर यात्रा कराती रहती है। यानी प्रतिपल जो प्रकृति के सानिध्य में जीता है वह हमेशा आनंदित रहता है। अच्छा अच्छा ठीक है। इन द डार्कनेस एंड अमिड द मेनी शेप्स ऑफ ज्वेलियस डिलाइट, अंधेरे के बीच और बहुत से आकार विहीन ज्वायरस डिलाइट कहते हैं एक ऐसा आनंद जिसमें कोई डिलाइट ना हो, ज्वायरस आनंद रहित आनंद। व्हेन द फ्रेटफुल इस्टर अनप्रॉफिटेबल, जबकि दुनिया की जो भाग दौड़ है वह अनप्रॉफिटेबल होती है, इसमें कोई लाभ नहीं होता है, कोई मानव जाति का हित नहीं होता है। एंड द फीवर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में जो भाग दौड़ है और भाग दौड़ के परिणाम स्वरूप जो मानव जीवन में तनाव है, हैव हंग अपॉन द बीटिंग्स ऑफ माय हार्ट, वो संसार का तनाव, संसार की आपाधापी, संसार की भाग दौड़ आज भी मानो मेरे हृदय की धड़कनों से व्यक्त होती रहती है। लेकिन वाई नदी के तट पर आकर प्रकृति के सानिध्य में पहुंचने पर मानो एक असीम शांति की अनुभूति होती है। चलिए, द ड्रीमी इंटरकोर्स ऑफ डेली लाइफ, चौथा है The dreamy intercourse
ऑफ आवर डेली लाइफ shall ever prevail against us. शैलेव, मैं आपसे ये कहूंगा कि थोड़ा आप अपना माइक म्यूट कर लें और डिस्टर्ब आवर चेयरफुल फेथ. और डिस्टर्ब आवर चेयरफुल फेथ. And that all which we behold all that which we behold is full of blessing. बिल्कुल जरा देखना सही चल रहा है. द ड्रीमिंग इन द कोर्स ऑफ आवर डेली लाइफ, हमारे प्रतिदिन के जीवनचर्या में इंटरकोर्स कहते हैं आपसी संबंध को, जो एक स्वप्निल संबंध होता है. शैल एवर प्रिवेल अगेंस्ट अस, क्या प्रिवेल कहते हैं बाधा डालने को, क्या हमारे नैसर्गिक और प्राकृतिक आनंद में बाधा खड़ी कर सकता है. आर डिस्टर्ब आवर चेयरफुल फेथ, अथवा प्रकृति में जो हमारी आस्था है, जो आनंदपूर्ण आस्था है, उसमें कोई व्यवधान पैदा कर सकता है. एंड ऑल दैट विच वी बिहोल्ड इज फुल ऑफ ब्लेसिंग, और प्रकृति में हम जो कुछ भी देखते हैं, जो कि मानो वरदान से भरा हुआ है, क्या संसार के प्रति हमारा लगाव उसमें कोई बाधा उपस्थित कर सकता है? तो कभी स्वयं जवाब देता है कि नहीं, ऐसा कदापि संभव नहीं है. और छठा है, दैट आफ्टर मेनी वॉन्डरिंग्स बहुत सारी भटकाव के बाद, मेनी ईयर्स ऑफ एब्सेंस, मेनी ईयर्स ऑफ एब्सेंस और बहुत से वर्षों की अनुपस्थिति के पश्चात, दीज स्टीप वुड्स पर्वतों की ढलान पर उगे हुए ये जंगल, देयर इज स्टीप वुड्स एंड लॉफ्टी क्लिफ्स, लॉफ्टी क्लिफ्स और ऊंचे ऊंचे आसमान को छूती हुई पर्वत की चट्टानें, एंड दिस ग्रीन पास्टोरल लैंडस्केप and this green pastoral landscape
और ये हरे भरे जो प्राकृतिक पृष्ठभूमि है, वर्तुनी मोर दियर, मेरे लिए संसार के किसी भी वस्तु से ज्यादा प्रियतर है। और इसमें दूसरा एक नोट लिख लीजिएगा, नोट कर लिया हो तो फिर मैं मिटाऊं। ये हायर में पूछा गया है क्वेश्चन, दिमाग से निकला जा रहा था, उसको जो है थोड़ा सा नोट कर लें। वास्तव में पोएम की नेचर कैसी है, ये दिमाग से बात निकल रही थी। द पोएम इज अ ड्रामेटिक The poem is a dramatic lyric वास्तव में अगर कविता देखा जाए तो ये ड्रामेटिक लिरिक है, एंड एज वेल एज ड्रामेटिक मोनोलॉग। और ये भी कहा जा सकता है कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग भी है। द पोयम एग्जिबिट्स सम ऑफ द कन्वेंशनल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। Some of the conventions of dramatic monologue. कुछ ड्रामेटिक मोनोलॉग की परंपरा का भी निर्वहन किया गया है इस कविता में। ये पोएम समाप्त हुई और नेक्स्ट पोएम की आज हम लोग चर्चा करते हैं, लाउडेमिया। बारिश हो रही है ना बाहर, तो जरा एक मिनट के लिए मैं, 2 मिनट के लिए आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलता हूं। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। आप लोगों की तरफ बारिश हो रही है कि नहीं भैया? हेलो, बरेली में 3 दिनों से यहां पर भी हो रही है और काफी तेज हवा तो नहीं है, केवल बारिश ही हो रही है या तूफान भी है? अच्छा, इधर तो हवा नहीं है लेकिन बरसात लगातार हो रही है, कभी थम जा रही है कभी तेज हो जा रही है। नेक्स्ट पोएम की चर्चा करते हैं हम लोग, लाउडेमिया।
पहली बात तो ये कि लाउडेमिया इज अ मिथिकल कैरेक्टर ये माइक जो है म्यूट कर लें प्लीज आप लोग। लाउडेमिया इज मिथिकल कैरेक्टर मिथिकल कैरेक्टर ऑफ ग्रीक लेजेंड लाउडेमिया एक ऐसा मिथिकल कैरेक्टर है ग्रीक लेजेंड। लेजेंड कहते हैं किंवदंतियों को या लोक कथाओं को, लोक कथाओं का एक कैरेक्टर है। एंड लाउडेमिया वाज द डॉटर ऑफ ए गॉडेस जो लैकाडस नाम के राजा की बेटी थी, हु वॉज द किंग ऑफ लोकस। जो लोकस राज्य का राजा था, लाउडेमिया वॉज मैरिड टू प्रोटेसिलासस। लाउडेमिया का विवाह प्रोटेसिलासस से हुआ था। प्रोटेसिलासस से ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर ऑफ थेसली। प्रोटेसिलासस PROTESILASUS प्रोटेसिलासस ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर ऑफ थेसले। जो थिसली का ग्रीक का एक राज्य है थिसली, उसका राजा भी था और एक महान योद्धा भी था। द पोएम इज वन ऑफ one of the most romantic poems of Wordsworth Wordsworth ki romantic kavitaon mein se ek hai Laodamia। Protesilasus had taken part in Trojan War
ट्राय के युद्ध में प्रोटेसिलासस ने यूनानियों की तरफ से हिस्सा लिया था ट्राय के अगेंस्ट इन ट्रोजन वार। And he was first to land on Trojan shore. He was the first to land on Trojan shore. ट्राय के समुद्री तट पर वो पहला योद्धा था जिसने कदम रखा था। एज डेल्फी हैज प्रेडिक्टेड, डेल्फी वास्तव में प्राचीन यूनान में डेल्फी का मंदिर है और डेल्फी देवी भविष्यवाणी किया करती थी। एज डेल्फी हैज प्रेडिक्टेड, ही हु लैंड्स फर्स्ट विल बी स्लेन फर्स्ट। ही हु लैंड्स फर्स्ट will be slain first. यूनानियों ने डेल्फी के मंदिर में जाकर के ये पूछा था कि आखिर पहले मृत्यु ट्राय के युद्ध में यूनान की तरफ से किसकी होगी। तो डेल्फी ने भविष्यवाणी की थी, जो भी ट्राय के समुद्री तट पर पहला कदम रखेगा सबसे पहले वही मारा जाएगा। तो निश्चित रूप से प्रोटेसिलासस ने ट्राय के समुद्री तट पर जैसे ही पहला कदम रखा कि उसकी हत्या कर दी गई। ट्रोजन वॉरियर हेक्टर स्लू हिम, प्रोटेसिलासस को मारने वाला हेक्टर था जो कि प्रियम का बेटा था। प्रियम के दो बेटे थे, हेक्टर और पेरिस। पेरिस हेलेन को किडनैप करके ले गया था। नोट कर ले, फिर आगे बढ़े। मिटा दें, नोट कर लिए हो तो फिर मिटाएं इसे। ट्रोजन वार हेक्टर स्लू हिम। ट्राय का महान योद्धा हेक्टर प्रोटेसिलासस की हत्या करता है। बताएं, जी नहीं, वो तो वो कमेंट्स पार्ट में भैया पहले पूरी कर गए। ये जो है स्टेटमेंट डाई ट्रिस्ट ऑफ नेचर, वो डिक्वेंसी का है।
बाकी और भी अभी भाई स्कॉलर्स ने वर्ड्सवर्थ के बारे में क्या कहा है, और सबसे ज्यादा प्रशंसा तो वर्ड्सवर्थ की केवल एक कवि ने किया है, हेरनाल्ड ने, बाकी सभी ने वर्ड्सवर्थ की आलोचना ही की है। तो जो क्रिटिकल कमेंट्स है वो बाद में। आफ्टर प्रोटेसिलासस डेथ द बिरीव्ड लाउडेमिया entreated gods to restore him to his physical existence, प्रोटेसिलासिस के मौत के बाद लाउडेमिया इतनी दुखी हुई कि वो देवताओं से प्रार्थना की कि एक बार फिर उसे शारीरिक रूप से उसके सामने उपस्थित किया जाए एंड अलाउ हर टू कन्वर्स विद हिम। And allow her to converse with him. देवताओं से प्रार्थना किया कि उसे इस बात की अनुमति भी दी जाए कि एक बार फिर से वो प्रोटेसिलासस से बात कर सके। For only 3 hours, और मात्र केवल 3 घंटे के लिए ही बात करने का अवसर दिया जाए। अजय फॉर 3 आवर्स गॉड्स ग्रांटेड हर रिक्वेस्ट on condition इस शर्त के ऊपर देवताओं ने उसकी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया दैट प्रोटेसिलासस can only be brought before her in ethereal body. केवल एक इथीरियल बॉडी कहते हैं जो दिखाई तो दे लेकिन कोई ठोस ना हो, सॉलिड बॉडी ना हो, ईथर जैसी हो। देवताओं ने लाउडेमिया के रिक्वेस्ट को स्वीकार तो किया लेकिन यह भी कहा कि प्रोटेसिलासस को एक सॉलिड बॉडी के रूप में उसके सामने नहीं लाया जा सकता है बल्कि इथीरियल बॉडी के रूप में उसको पेश किया जा सकता है।
इथेरियल बॉडी फ्रॉम द अपर लिमिट by permission of Hermes और वो भी Hermes देवता के अनुमति से ही उसके इथेरियल बॉडी को उसके सामने लाया जा सकता है। और याद रखिएगा Hermes को मरकरी गार्ड भी कहा गया है ग्रीक यूनान में, मरकरी गार्ड। God also granted him, warned him not to embrace Protesilaus, और ये भी चेतावनी दिया कि कभी भी लाउडेमिया को प्रोटेसिलास से गले नहीं मिलना होगा, और अदरवाइज हिज एथरिक बॉडी will vanish into air और यदि वह ऐसा करती है तो प्रोटेसिलासस का जो इथरिक शरीर है वो भी हवा में विलीन हो जाएगा। प्रोटेसिलासस इज ब्रॉट बिफोर हर out of passion she forgets warning of God and the moment she tries to embrace him Protesilaus vanishes into ether Laodamia could not bear the pang of separation from him. Laodamia could not bear
the pang of separation from him उसे सेपरेशन की पीड़ा को वो सहन नहीं कर सकी से किल्स हरसेल्फ इन स्टेट ऑफ फायर इन स्टेट ऑफ फायर्स और आपकी चिता में खुद जल करके मर जाती है। डियर आज इतना ही इंपॉर्टेंट लाइन की कल चर्चा होगी और हाँ आज सिनोनिम की लिस्ट आपके पास पहुंचेगी।